हेलो, गुड म॑र्निंग दोस्तों. 7 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम द हिंदू न्यूज़ ऑन एआर और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ. सबसे पहले आज जो न्यूज़ आई है वो आई है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में. तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या जो फीचर्स हैं, क्या इसके बेसिक प्रावधान होते हैं. देखो, एक सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस की बात की जा रही है स्टेट के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है. मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा था कि स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होंगे या नहीं होंगे. तो अब हम बात करते हैं कि भाई स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते क्या हैं, क्या इनको बेनिफिट मिलता है और क्या अभी इश्यू चल रहा है. कंटेक्स्ट है वो अभी यह है कि आंध्र प्रदेश आपको पता है कि लगातार स्पेशल कैटेगरी के स्टेट की मांग है वो कर रहा था, क्योंकि जो लास्ट टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि वादा किया था कि हाँ भी हम आपको स्टेटस देंगे, बट जो रिसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने मना किया. क्यों मना किया वो भी हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं पूरा. देखो, बात ऐसी है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस का जो दर्जा है वो मेनली उन स्टेट को दिया जाता है जिनकी क्या इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं होती, मतलब उन स्टेट की जीडीपी ठीक नहीं होती है, या फिर उनका एरिया हिली एरिया होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बॉर्डर वाला स्टेट होता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होती है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि उस स्टेट का भी डिवाइड वगैरह हुआ, डिवाइडेशन हुआ हो और उससे उसके पास रिवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं हो. मतलब एक तरीके से जो कमज़ोर स्टेट होते हैं ना उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत है वो होती है. तो इसके तहत गवर्नमेंट कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स करती है. और ये बात जो आई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात, ये आई थी 1968 में. 1968-69 का जो टाइम था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस टाइम पे गदगिल फॉर्मूला आया था. और ये जो गदगिल फॉर्मूला आया था ये यही आया था कि भाई स्टेट और सेंट्रल के बीच में पैसा कैसे डिवाइड करना है, उसको लेके ही स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस की शुरुआत है हुई थी कि भाई इस स्टेट को दर्जा देना है. स्टार्टिंग में देखो बात की जाए तो 3 स्टेट को दिया गया था, आसाम को, नागालैंड को और जम्मू एंड कश्मीर को. 1968 और 69 के टाइम की बात है. उसके बाद बाकी और भी स्टेट को यहाँ पे इंक्लूड है वो धीरे धीरे कर लिया गया, तो लगभग अभी तक 11 स्टेट हैं. तो वो सब हमारे लिए रखने की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. बट देखो, एक बेनिफिट क्या होते हैं इनको वो देखते हैं. बेनिफिट एक तो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको थोड़ा पैसा ज़्यादा देती है. क्यों? क्योंकि जैसा देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा है वो उन्हीं को दिया जाता है जिनकी हालत ठीक नहीं होती है. मतलब या तो उनके पास कोई इकोनॉमी का रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि वो हिली एरिया है तो उसके वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा हो, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा रीजन हो या फिर बॉर्डर वाला स्टेट हो, तो उन स्टेट को बेसिकली दिया जाता है. तो अभी आंध्र प्रदेश ने ये कहा कि देखो भाई हमारे स्टेट का डिवाइडेशन हो गया और एक साइड तो तेलंगाना बन गया और एक साइड और हम. अब वहाँ पे आपको बताया कि आंध्र प्रदेश की पहले जो कैपिटल थी वो थी हैदराबाद. खैर आज भी रिसेंटली तो कैपिटल हैदराबाद ही है, बट अभी हैदराबाद है वो एक्चुअली तेलंगाना के पास चला गया है. इसलिए आंध्र प्रदेश का जो रिवेन्यू वाला हिस्सा था मेनली वो आंध्र प्रदेश से होता था और रिवेन्यू वाला हिस्सा चला गया तेलंगाना के पास. इसलिए आंध्र प्रदेश ने कहा कि देखो भाई हमारे पास पैसा नहीं है और हमें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा वो दिया जाए ताकि हम एक तरीके से मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको चला सकें, ढंग से डेवलपमेंट वगैरह कर सकें. इसीलिए वो बार बार स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस की मांग है वो कर रहे थे. बट बात करते हैं कि अभी गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है. गवर्नमेंट मना इसलिए कर रही है क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन आया था ना, उस टाइम पे ये प्रावधान किया गया था कि देखो भाई स्टेट को जो पैसा दिया जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहली बात फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं हम. फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उस स्टेट को पैसा कितना देगी, पहला काम तो ये. फिर हर स्टेट को आपस में कितना कितना मिलेगा कि इस स्टेट को इतना मिलेगा, इसको इतना इतना, वो सारा काम करता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा. तो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि देखो जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो पैसे का डिवाइडेशन होता है ना वो बढ़ा दिया जाए. मतलब पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो ऐसे होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को 32% पैसा देती थी. मतलब ये मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1,00,000 करोड़ रुपए का है तो बजट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो 32,000 करोड़ रुपए दे देती थी. ये प्रावधान था पहले. बट फिर क्या क्या 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भई हम आपका 42% दे देंगे. मतलब उन्होंने स्टेट का हिस्सा ही बढ़ा दिया कि सभी स्टेट को ही, क्योंकि इससे भेदभाव वगैरह का इश्यू लगने लग गया था कि यार उस स्टेट को तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, तो इसमें पॉलिटिक्स वगैरह चलने लग गई थी. इसीलिए प्रावधान लाया गया कि 32% जो पैसा मिलता है उसको बढ़ा के 42% कर दिया जाएगा. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को 42% पैसा दे देगी, उसके बाद आपस में स्टेट में वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया जाएगा. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टेट के बीच में जो पैसे का बंटवारा था वो पहले ही बढ़ा दिया था 14th फाइनेंस कमीशन ने. इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो भैया हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देंगे तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेन फायदा तो पैसों का तो होता है ना कि हम आपको पैसे देते हैं एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मिलने नहीं रहे क्योंकि हमने वैसे ही सभी स्टेट का हिस्सा बढ़ा दिया है, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा रहा नहीं है.
ये सारा केस था। इसके अलावा देखो एक ही होता है कि जैसे गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ हिस्सा देती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये प्रावधान होता है। जैसे कि नॉर्मली ये होता है कि 60% जो हिस्सा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो तो देती है स्टेट गवर्नमेंट और 40% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे होता है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल सेक्टर ही देता है या सेंट्रल ही देगा। तो ऐसे डिफरेंस होता है इनमें बेसिक चीज़ों के बीच में। अब बात करें स्पेशल कैटेगरी के स्टेट की बात करें तो उसको क्या फीचर होते हैं, उसको 90% पैसा जो मिलता है ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत वो मिलता है। मतलब औरों को तो मिलता है 60-70% जबकि उसको मिलेगा अकेले को 90%। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा पैसा देती है, स्टेट को कम खर्च करना होता है क्योंकि स्टेट के पास रिवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसलिए ये फीचर्स डिफरेंस है। तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी, जो पूरा इश्यू था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो बोलीविया को लेके आए हैं, तो कंटेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट देखो ये है, आपको पहले बता दूं कि इनके हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे नीचे ही है, मैं आपको मैपिंग के तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। कंटेक्स्ट ये है कि बोलीविया के अंदर एक लेक है टिटिका का, आपको ये दिख रही होगी, ये तो एक सेकेंड, ये तो रहा यहाँ पे साउथ अमेरिका का मैप और यहाँ पे है बोलीविया, ये है यहाँ पे पेरू। तो बोलीविया और जो पेरू है इन दोनों के बॉर्डर पे एक लेक है जिसका नाम है लेक टिटिकाका, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे आ गई बोलियो की कैपिटल लापांच और यहाँ पे आ गई पेरू। तो इन दोनों की देखो ये बाउंड्री इधर से ऐसे से जा रही है और यहाँ पे आ गई लेक टिटिकाका, दोनों की बाउंड्री में यह आती है। तो कंटेक्स्ट यह कि लेक टिटिकाका है वहाँ पे अंडर वाटर म्यूजियम बनाए जाने की बात है, यहाँ पे अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा एक तो बेल्जियम की हेल्प से, इसके साथ ही यूनेस्को है वो भी यहाँ पे फंड पैसा है वो दे रहा है। तो मतलब यूनेस्को और बेल्जियम है ये दोनों यहाँ पे लेक टिटिकाका में अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है बोलीविया की और पेरू की और लेक टिटिकाका की, तो तीनों लोकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साउथ अमेरिका की लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही आपको बताना है यहाँ पे और जो क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, जैसे आपको बताना कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका एक साइड का हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन को टच होता है और एक साइड का उसका हिस्सा है वो टच होता है अटलांटिक ओशन को, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने जो लोकेशन थी वो यहाँ पे डिस्कस कर ली, देखते हैं आगे। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो आई है सभल स्कीम के बारे में। तो सांभल स्कीम है, सभल जो स्कीम है वो है क्या, सबसे पहली बात है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लेके आई गई है, क्या इस स्कीम का प्रावधान है वो देखते हैं। देखो इस स्कीम का सीधा सीधा प्रावधान ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, उसका नाम बताना पहले आपको कि उसमें प्रावधान किया गया था कि भाई सभी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सस्ती रेट में इलेक्ट्रिसिटी है फ्री है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कौन सी स्कीम थी, उसी स्कीम के तर्ज पर मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च की है कि भाई जो गरीब लोग हैं बीपीएल लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको 200 रुपये पर मंथ में लाइट है वो दी जाएगी, मतलब उनको लाइट वगैरह इजीली एक्सेस है वो हो जाए, इसके लिए ये प्रावधान है वो किया गया है कि बीपीएल लाइन के नीचे वाले जो लोग हैं उनको 200 रुपये मंथली देने होंगे और उनको इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये प्रावधान किया है संभल स्कीम के तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, या तो बिजली का बिल है उसमें छूट सब्सिडी दी जाएगी या फिर छूट है वो दी जाएगी। तो मैंने जो गरीब परिवार है या फिर जो लेबर क्लास है उनके लिए बेसिकली स्कीम है, बीपीएल परिवार के लिए आपको बताया कि 200 रुपये पर मंथ। तो आपको ध्यान रखना कि संभल स्कीम है वो मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाई गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी हमारी वो थी लेक टिटिकाका के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगला जो न्यूज़ है वो आई है गेमिंग यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। कंटेक्स्ट ये है कि यूनेस्को और आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बोर्ड है, इन बोर्ड दोनों ने मिलकर एक्चुअली एग्रीमेंट साइन किया है जिसका मेन मोटो ये है कि गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब है वो बनाया जाए विशाखापट्टनम को। देखो आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम नाम की सिटी है और उस सिटी को एक्चुअली गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब है वो बनाने के लिए यूनेस्को और आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन दोनों ने मिलकर स्टेप उठाया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वहाँ पे पैसा वगैरह खर्च किया जाए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट है वो किया जाए। तो गेमिंग यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पहली बात हुई है विशाखापट्टनम। अब इससे होगा क्या बेनिफिट, इससे बेनिफिट ये होने वाले हैं, एक तो लगभग आगे आने वाले 10 साल में लगभग 50,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी। इसके साथ ही गेमिंग सेक्टर है वो इंडिया का आगे बढ़ेगा, मतलब इंडिया में काफ़ी सारे स्कोप बढ़ेंगे, इसका काफ़ी सारा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो ये इसलिए बेसिकली फीचर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपको पता है यूनेस्को है वो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप अच्छे से जानते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देख ली कि गेमिंग डिजिटल हब है वो बनाना है विशाखापट्टनम को, उसके लिए यूनेस्को और थोड़ा पैसा दे रहा है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उसके साथ मिलकर बेसिकली काम है, कौन कितना पैसा दे रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट जो एक छोटी सी न्यूज़ है वो आई है बेरन कन्वेंशन के बारे में। बर्न कन्वेंशन है, बेरन कन्वेंशन के बारे में, बर्न कन्वेंशन है वो बेसिकली
लिटरेचर, आप पूछोगे लिटरेसी, इसके साथ ही आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट जो वर्क है, मतलब जो कलाकारी का जो वर्क होता है, जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई या फिर किसी ने कोई और तरह की हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान बनाया, तो वो हो गया आर्टिस्टिक वर्क। तो इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी का मतलब यहाँ पे ही हो गया कि जैसे किसी ने कोई गाना वगैरह गाया, मतलब जिसको वो आप कहीं पे लिख नहीं सकते, एक तरीके ऐसी चीज़ हो गई, वो डांस हो गया, तो ये हो गया, सॉरी साहित्य हो गया यहाँ पे। जैसे कि किसी ने कोई बुक वगैरह, कवि वगैरह का काम हो गया लिटरेसी का, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पे लिटरेसी। और आर्टिस्ट को जो वर्क है, इन दोनों के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो आपको ध्यान रखना कि बैन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बैन कन्वेंशन है वो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करने के लिए है इन वर्क को, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये भी न्यूज़ में होता है, न्यूज़ में भी होता, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि WPIO की ट्रीटी थी इंडिया ने, वो भी उनको रेक्टिफाई है, इंडिया ने साइन है, वो किया है, जिसमें एक थी कॉपीराइट एक्ट ट्रीटी। तो उसको लेके वर्ड हो सकता है एग्जाम UPSC पूछ ले बर्न कन्वेंशन रिलेटेड, तो इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि मे बी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट वगैरह से ध्यान नहीं है, ये इसका लिंक अलग है कॉपीराइट से, तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिस हमने डिस्कस कर लिया कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बाद में ऐड किया गया था। इंडस्ट्रियल है वो कैपिटल लॉस वगैरह स्टेट होता है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश अपनी मांग कर रहा था। इसके बाद में जो अगली न्यूज आती है वो आती है भारत स्टेज सिक्स इंजन की। कंटेक्स ये है कि भारत स्टेज सिक्स इंजन है, उसका अभी वोल्वो कंपनी को अप्रूवल या सर्टिफिकेट है वो दिया गया है ICAT के द्वारा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा सर्टिफिकेशन दिया गया है। सर्टिफिकेशन आप बोल सकते हो कि प्रमाण पत्र दिया गया है कि हाँ भाई आपका इंजन बन चुका, आपको काफ़ी अच्छा है, इसको लेके अवार्ड एक सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात तो BS होता गया है भारत स्टेज। देखो भारत स्टेज का सीधा सीधा मतलब ये है, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह का पैमाना, जैसे ISMR का होता है ना, उसी तरीके का स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये बेसिकली गाड़ियों के लिए यूज होता है कि गाड़ियों से जो इंजन वगैरह इंजन जब स्टार्ट होता है, जब इंजन जब चलता है, उस दौरान काफ़ी सारी एमिशंस होती हैं गैसों वगैरह की, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उनके आधार पर, कि भाई अगर इंजन बहुत अच्छा है तो एमिशन बहुत कम होगा तो उसको अच्छी रैंकिंग दी जाएगी, अगर इंजन पुराना एकदम खटारा टाइप का है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तो उसमें ऑब्वियसली एमिशन ज़्यादा होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो उसको BS कम नॉर्म्स में रखा जाता है। तो इस तरीके, तो अभी आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई 2020 तक एट जो 2020 तक एट एनी कॉस्ट हमें भारत स्टेज सिक्स को इंप्लीमेंट करना है। आपको पता है कि इंडिया ने भारत स्टेज फाइव को डायरेक्टली इलिमिनेट कर दिया है, अभी BS4 चल रहा था और BS4 के बाद डायरेक्टली सिक्स पे इंडिया जाने वाली है, फिफ्थ को इंडिया ने डायरेक्टली एलिमिनेट किया है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि अभी BS4 चल रहा है और अभी BS6 लेके आएगी गवर्नमेंट, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा थोड़ा सा। देखो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो एमिशन होता है इंजन जलने से, जब इंजन स्टार्ट होता है, जब इंजन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे खतरनाक गैसें हैं वो इंजन से बाहर निकलती हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो तो आपको पता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ता है, इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी खतरनाक खतरनाक गैसें बाहर निकलती हैं। तो अभी अगर नया इंजन जो BS6 टेक्नोलॉजी है, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो सल्फर है उसका लगभग 80% तक पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, मतलब सल्फर 80% तक कम है वो प्रोड्यूस किया जाएगा इंजन के द्वारा। या फिर बात करें हम PM2 PM10 की, तो वो लगभग 50% तक कम हो जाएगी। बात करें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, जो कि हो जाएगी 70 से 25% तक कम हो जाएगी, मतलब जो खतरनाक गैसें निकलती हैं इंजन के स्टार्ट होने के दौरान और बाद जब इंजन चलता है तब, वो गैसें हैं वो कम निकलेंगी, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन को हमें नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। तो इसलिए ये बेसिक गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट है वो किया गया है। भारत इससे जैसा मैंने आपको बताया कि एमिशन स्टैंडर्ड है, जैसे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है उनके सभी के अपने, उसी तरीके से भारत के अपने खुद की स्टैंडर्ड बनाए गए पोल्यूशन को लेकर। अब बात करते हैं हम ICAT के द्वारा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है क्या। देखो पहली बात यह है कि यह जो हेवी इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत ही आती है, उसके अंतर्गत एक सोसाइटी है, एक बोल सकते हो डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है नेट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के अंदर आती है ICAT टेक्नोलॉजी है वो। अब है क्या इसका, ये एक्चुअली वर्ल्ड क्लास सेंटर है इंडिया, मतलब आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड क्लास सेंटर है, जो कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा शायद आपको, चलो मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि है क्या चीज़ ये। देखो एमिशन कम करना है, तो एमिशन कम करना है तो इसके लिए आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जो काम करना है कि भाई इंजन कैसे काम करना चाहिए, कौन सी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, वो सारे काम है वो किए जाते हैं ICAT के द्वारा, जो कि आती हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब इंजन की क्वालिटी कैसी है, इंजन की एफिशिएंसी कैसी है, इंजन कितना क्या एमिशंस वगैरह करेगा, ये सारे स्टैंडर्ड, ये सारे काम किए जाते हैं ICAT के द्वारा डिसाइड, या ये सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड है वो करवाता है, जो कि आती हेवी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है हमारी उसके अंतर्गत। तो अब आपको सारा सीन समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो आई है पीएटी के बारे में, पैट के बारे में। तो क्या है पैट, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पैट का मतलब है पैड अबाउट टेस्ट। अब है क्या ये भी देख लेते हैं। देखो, इसरो के द्वारा 20 टेस्ट को अंजाम है वो दिया गया है क्या ये टेस्ट, इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, काफ़ी बार आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि स्पेस की कोई मूवी होती है, कोई स्पेस शटल जा रहा होता है इस ब्रह्मांड में, तो वहाँ पे कई बार उसमें आग वाग लग जाती है, तो उस दौरान जो वहाँ पे पैसेंजर होते हैं या जो भी उसमें लोग होते हैं पायलट वगैरह, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल स्विच वगैरह होता है, उसकी वजह से क्या करते हैं, तुरंत उससे अलग हो जाते हैं, मतलब एग्जिट हो जाते हैं वहाँ से, और फिर वो धीरे धीरे पैराशूट की तरीके से मतलब अर्थ पे आ जाते हैं। तो जो वहाँ से अलग हुए ना, उसको बोला जाता है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि क्रू स्केप सिस्टम टेक्नोलॉजी है, इसका ही इसका टेस्ट है, उसको कहा जाता है क्रू स्केप जो सिस्टम टेक्नोलॉजी है। उसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी क्रू मेम्बर या क्रू जो लोग जाते हैं प्लेन वगैरह में, बेसिकली अगर वहाँ पे आग लगी या वो सिस्टम काम नहीं करा प्लेन वगैरह, उस कंडीशन में उनकी सीट के पास एक स्विच होता है, तो उसको दबा के वो क्या करते हैं, जल्दी से वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, फिर वो उनको बाहर फेंक देती है, मतलब स्पेस शटल वगैरह से या जो भी प्लेन वगैरह वहाँ से, और उसके बाद वो पैराशूट ओपन हो जाता है और उसकी हेल्प से वो अर्थ पे आ जाते हैं, लैंडिंग उनकी हो जाती है, तो मतलब उनकी जान बच जाती है। तो ये होती है स्क्रू एस्केप सॉरी सिस्टम टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अभी इंडिया ने इसका परीक्षण है वो क्या है, इसरो ने। देखो, वैसे जो हमारे जो आर्मी सॉरी जो नेवी के जो होते हैं, स्पेस वगैरह एयरफोर्स के जो होते हैं, आप बोल सकते हो जिनको हेलीकॉप्टर वगैरह, हेलीकॉप्टर तो खैर नहीं होता है, बाकी से MiG-21 हुआ या फिर तेजस जैसे विमान है, इनके अंदर तो ऑलरेडी ये सिस्टम होता है। बट अगर हम स्पेस में जाएं तो उस दौरान हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और इसलिए वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का परीक्षण होता है। बट आपको मैंने समझाने के लिए काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बताया कि जैसा हमने देखा है मूवी वगैरह में, उसी तरीके की टेस्टिंग है जो कि अभी इंडिया के द्वारा इसरो के द्वारा कंप्लीट की गई है, कि भी इमरजेंसी सिस्टम के दौरान जो भी एस्ट्रोनॉट है वो दिल्ली वहां से निकल सके अगर सिस्टम वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेट है क्या, पेड अबाउट टेस्ट, या आपको ध्यान रखना है क्रू एस्केप सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया ने इसका परीक्षण है वो क्या है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।